कठे हो सन आपस में झगड़ा लगे आवे तो कोलों दी मियोरी लंघ पे ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆਪਸ ਚ ਲਗੇ ਆ ਗੁੱਪੋ ਗੁੱਪੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਣਾ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਮੀਰ ਅਨਵਾਦ ਮਾਰੀ ਜਰਾ ਕਾ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਵਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਜਰਾ ਕੁੱਚਾ ਸੀ ਟਿੱਬਾ ਦਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਗਏ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 7 ਲੱਜਾਂ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 5 ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 70 ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੇ 72 ਕੱਢੋ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਮੀਰ ਆਖਿਆ ਵੀ 5 ਲੱਜਾਂ ਖੂਹ ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਿੱਧਕ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 5 ਲੱਜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਰੇ ਖੋਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਤੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੱਡਵੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੱਟ ਜਟਾਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ उस दिहाड़े भी कुदरती जुम्मा सी वह बंदे जड़े ने भज के तो उत्थे मस्जिद में आ गए जो मस्जिद में आ गए तो आ के खतीब नाल गल की भी असने असने गल उन्हें आख्या अज तो असी सौट भीड़ में आंदे जुम्मे नूं रख लो तो बुला लैने जने नूं पुछ लांदे बंदा एक सुनेहा दिन टुर गया अलची टुर गया मियोरी बैठे सन अपने बूहे तो बाहर साफ पा के कोई बंदे 8-10 कोल बैठे सन जाके दस्या भी जने सुनेहा आ गया तेन वो जो काम टिब्बे ते कर आए हैं मीर आख्या भी ठीक है लग गया पता उन्हें आख्या भी आंदे जुम्मे नशहरे खोजियां मस्जिद में मीए काको राणी तुस आ जा मीर आ गए बंदे जेडे सुनते कहते सन पे वह 8 वार मतलब जिन्हों जिन्हों टक्करते रहे ना दसते रहे बई उधर भी खतीब है तो जना है भी नमोड़ है खैर हो सही चलो करना रब का जुम्मे का वार आ गया वह मस्जिद में मतलब इकट्ठ हो गया तो मीर आख्या भी लंघ आवे होगा ते आख्या भी सारे बंदे जिन्ने जुम्मा पढ़न आए हो कोई बंदा जुम्मा पढ़ के घर ना जाए गल सुन के जाने मीर पिछली लाइन सन बुला लिया अगली लाइन दे विच खलो के जुम्मा पढ़िया बंदिया ने सारी गलबात दसी सी उन्हें आख्या जी आ एक शहर है धी पुत्र एदा कोई नहीं इंज दियां मतलब गल्लां करदा इंज दे काम करदा रब दे घरों बेउमैद है तो कोई यदा कोई हिसाब किताब नहीं तो यदा कोई कोई हिसाब नहीं तो तुसी कोई इस गल का फैसला करो ये गैर शरा काम किया सो 5 लज्जा पानी दियां कटा लिया उन्हें आख्या भी इधर आ जनिया तेरा ना आया तो यह जी घरे दे ते इसे ना तू बुलाते ने उन्हें आख्या भी इसे वास्ते ना कोई तू सुबह रंग है तेरे को ना कोई काला ना कोई चिट्टा ना मतलब तू बाल बच्चेदार नहीं इंज दियां गैर शरा हरकत करना इस वास्ते मीर गुस्सा लग गया तो भले जमाने सन ना वो किसी ने वो जैकट के 2 रुपये पाने किसी ने इधरों की 1 रुपया पाना भी मौलवी होरी बड़ी पे गल कर देना उन्हें आख्या भी की सबूत है तेरे को क्यों ये गल की आ मीर आख्या भाई सरकार इस वास्ते ये दूर दराज इलाका इतने कोई लमेडा नहीं जलालपुरों तुम टांगे तो अगे नहीं आ सकते पैदल आ सकते गड्डी तुहाडी जलालपुर खलोती है तो गल ए वे दूर दराज इलाका कोई एडा इलम नहीं उंज यह वे भी 5-3 पाक का मनण वाला तो 5 लज्जा कढ़ा लिया पानी तुसी जिदे मनण वाले हो जाके उन्नियां लज्जा कढ़ा लियो तो बुझ दे विच पैसे पाते सन कोई इधरों आ गया कोई इधरों आ गया कोई 2 रुपये पाए ने किसी 4 रुपये पाए ने तो मीं होर फिर उत्थे आख्या भी रंगा वाले तो रंग नहीं वेख सकिया तलब रंग मैं गोरे ते सूहे दावां अमला नूं कुतरदा ते वैरी गुणा दा ए तलबगार ना इस लोभ दे चूहे दा मैं जिहड़े तुहाडे बोझे च पैंदे ने फिर गल्लां मैं इलम दे शहर दियां करन वाला मनण वाला मैं बाहरले बूहे दा वां सरकार दी अधीस है कि मैं इलम दा शहर हां ते अली दरवाजा गल्लां मैं इलम दे शहर दियां करन वाला मनण वाला मैं बाहरले बूहे दा वां कसूरमंद समुंदरां दा नहीं जाणू वाकफ छपड़ी ते डड्डू खूहे दा ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤੀਬ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ